न्यू ब्लॉग। तो यार पता है ना, कल रात को एक गजब सीन देखा हमने। मतलब ये ब्लॉग आएगा कल, तो एक दिन पहले। और ठीक है, तो उसमें पता ना क्या, रात को हम छत पे बैठे थे सारे लोग, मैं, अमृतांशु, अभिषेक। तो मैंने देखा स्टारलिंक जो एलन मस्क ने भेजी है ना, वो सारी हमारे अर्थ में ऑर्बिट में पता है घूम रही है, ठीक है ना। और जो लोएस्ट ऑर्बिट होती है ना अर्थ की, उस पे ही ये सारे सैटेलाइट्स घूम रहे हैं। पता है ये लॉन्च करें उनने कम से कम 42,000 का उनका टारगेट है, जबकि अभी शायद 3,000 के आसपास ही लॉन्च हो पाए हैं, और इन फ्यूचर बहुत सारे लॉन्च होंगे। और इनका मोटिव पता है एक ही है कि ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब कि जो एरिया होते हैं ना जहाँ पे नेटवर्क या इंटरनेट जहाँ पे नहीं पहुँच पाता जिन एरियाओं में, तो उनमें ये कम से कम कॉस्ट में आराम से वहाँ पे नेट इंटरनेट की सुविधा आराम से भेज सके, इनका यही मोटिव है। और भाई काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है वैसे तो, एयरटेल भी ऐसा प्रोजेक्ट कर रहा है, लेकिन एलन मस्क का दुनिया का सबसे अमीर आदमी है तो उसका प्रोजेक्ट भी सबसे बड़ा है। तो भाई वो नज़ारा एकदम, मतलब ऐसे लग रहा था जैसे वो वास्तव में जो हॉलीवुड में देखते हैं ना मूवीज़, उनमें दिखता है सब कि भाई साइंस टेक्नोलॉजी में क्या क्या हो रहा है, स्पेस में क्या क्या हो रहा है, वो कल देखने को मिला हमें। और फिर लगा कि हाँ कुछ तो हो पाएगा, ठीक है ना, आगे चल के। Screaming out, but you can't make a sound, you know it's only a dream. When you're back at the ground and things turn around, you know it was only a dream. 'Cause nothing is as bad as you think, even when you're pulling at the seams. When the lights go out, you still got me. Oh, तो सुबह के 8 बज रहे हों, काफ़ी अच्छा मौसम भी हो रहा है, सुहाना सा। तो अभी जा रहा हूँ मैं नाश्ता करने, और फिर नाश्ता करेंगे, फिर अपनी है क्लास, ठीक है, 9 से है, 9 से 12 तक है, फिर एक खाली है शायद, फिर लंच है, लंच के बाद एक और क्लास है, तो वो अटेंड करेंगे, ठीक है। तो अभी चलते हैं नाश्ता करने। यक्ष भाई कैसे हो आप, ठीक हो, कब आए घर से? सैटरडे में। ठीक रही जर्नी? रूम वूम अलर्ट हो गया? तो गाइज आज पता है ब्रेकफास्ट में क्या है, इडली और सांभर चटनी। देखो विदेशी खाना तो नहीं है, इंडियन खाना है। अब देखते हैं कैसा है ये, वैसे मुझे ये सब पसंद तो नहीं है ज़्यादा, लेकिन हम ट्राई करेंगे। बीच हैं प्रोफेसर जो कि टेस्ट करने वाले हैं इडली, और काफ़ी सारी मात्रा में इन्हें लिया है, इनका पेट जितना नहीं है इतना ये ले लेते हैं। क्या बढ़िया था गुरु। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? मुझे इडली तेरे को भी पसंद नहीं है, इसी तरह खाने की कोशिश करूँगा इसको। तो चलिए शुरू करते हैं।
ओए हाय, ये क्या, ये मुझसे जलता है गाइस, देख लो। ये कहता है बरदान तू बदल गया है। सच में बदल गया हूँ मैं? अरे झूठ मत बोल यार, तू बदला है छप से हो। बढ़िया, समझ चल रहा है ना, फुल सेट। खाना बढ़िया। फाइनली गाइस ब्रेकफास्ट हो गया है, ठीक था यार, वैसे बढ़िया था। और वैसे अब मैस का खाना काफ़ी सही मिलने लगा है, आई थिंक पिछली मतलब बार से तो सही ही मिल रहा है खाने की, मतलब क्वालिटी इम्प्रूव हुई है। ठीक है, तो अभी ब्रेकफास्ट कर लिया, अब जाएंगे क्लास करने। और पहली क्लास है अपनी रोबोटिक्स की, तो रोबोटिक्स में काफ़ी मज़ा आता है क्योंकि रोबोट के बारे में पढ़ने में बहुत मज़ा आता है मुझे तो, खासतौर से वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत मज़ा आता है। बट इतना एक्सप्लोर नहीं कर पाते ना, क्योंकि इतनी चीज़ें हैं नहीं हमारे पास, ठीक है ना। लेकिन तब भी जितना पढ़ने में मज़ा आता है तो पढ़ते हैं हम, इंजॉय करते हैं। तो अभी जा रहा हूँ, थकता हूँ और चलते हैं। A few moments later, खतरनाक चीज़ है। हेलो चौहान सर, कैसे हो? हाथ मिला लो। तो गाइस पता है ना, अभी जा रहे हैं हम क्लास करने, वो पता है ना, वैसे काफ़ी टाइम हो गया है क्लासे चलते हुए हमारे फिफ्थ सेम की, बट अभी फिफ्थ सेम वाला स्टार्ट कर रहा हूँ। वैसे कुछ लोग को पता नहीं था, क्लास तो चल रही थी लेकिन पता नहीं होगा फिफ्थ सेम में आ गए हैं इतने जल्दी हम। तो चौहान सर आपका क्या ओपिनियन है? मतलब कोरोना टाइम निकला ना, तो हम सीधे थर्ड ईयर में शिफ्ट हो गए यहाँ पे, और फर्स्ट ईयर तो हमारा ऐसे ही गया भाई, फर्स्ट सेम में तो हमने क्लास ही नहीं करी भाई, मतलब ऑनलाइन वाले। ठीक है, तो अभी जा रहे हैं क्लास करने हम सब, और अभी तो हम दो ही जा रहे हैं, शायद एक दो और बैठे हूँ वहाँ पे या ना हो आने वाले। अभी थोड़ा हम जल्दी आ गया हूँ मैं, कि थोड़ा ब्लॉग शूट करना था तो जल्दी आना पड़ता है, 5-10 मिनट, और ये बाहर से आता है तो इसे भी जल्दी आना पड़ता है। तो अभी चलते हैं अंदर, मस्त आ रहा है अभी तो आज। यहाँ पे तो अंधेरा चल रहा है गाइस, और अभी अंधेरा है, और देख सकते हैं यहाँ पे ये रहा 132। हमारी सेकंड ईयर में सारी क्लास यहाँ चलती थी, यहाँ पे आईटी की चलती थी 133 पे, अब हमारी क्लास शिफ्ट हो गई है 137 में। तो अभी जा रहे हैं 137 में, वहाँ पे क्लास हमारी चलेगी। और अभी ताला लगा हुआ आई थी, खुलने भी नहीं आया कोई, क्लास होगी भी या नहीं ये भी नहीं पता मुझे। ताला तो खुला है यार, ये सही है। तो एक बार फिर शायद, क्यों अभी से, ओए चौहान, एक बार अपन आए थे ना, तो तब भी अपन दो ही लोग आए थे क्लास में, ठीक है ना। तब मैंने बोला था कि हम ही दो लोग हैं जो पहले सबसे क्लास में आते हैं, आज फिर वही सिचुएशन, हम ही दोनों लोग क्लास में आए हैं और कोई नहीं आया अभी। तो मेरी तो अभी मैं बैठता हूँ थर्ड बेंच पे, ठीक है ना, और आगे फर्स्ट बेंच पे शिफ्ट करेंगे कुछ टाइम बाद, क्योंकि अभी इसके स्टार्ट हुई ना, तो अभी स्टार्ट नहीं करते हैं, फिर कुछ टाइम बाद स्टार्ट करेंगे। तो अभी वेट करते हैं टीचर्स के आने का, फिर वो पढ़ाएंगे रोबोटिक्स। वो काफ़ी फन वाला सब्जेक्ट है, मज़ा आता है इसको पढ़ने में। राहुल सर कैसे हो आप? राहुल भाई कहाँ नहीं आओगे? अखिलेश बुलाओ यार, अखिलेश बुलाओ यार। राहुल का सीन बढ़िया है। हाय राहुल, हाउ आर यू? हाय तो बोल दे यार, तेरे कमरे में कूड़ा डालता था मैं, याद है तुझे? और सर कैसे हो आप? हमारे रसगुल्ले छीन के खाने वाले यही लोग है जो मैं समय में खाने नहीं देते। छोड़ दे। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? यहाँ पे हमारे केसरी डिस्कशन करते हुए 5G के बारे में। आई थिंक अडानी जी का नंबर देना पड़ेगा इन्हें, केसरी को। सिद्धार्थ बहुत दिनों बाद आए हो तुम, कुछ तो गुटका, अच्छा गुटका यार आता है यार।
और अलमान अरमान सर ऑप्शन के लिए नहीं सही, मतलब अगर तू फीचर के लिए ले रहा है धीरू सर को बोल दो भेजिए क्या, वो कोई बेनिफिट नहीं है। अबे आ जाएगा सुनाओ एक्सेल में आ रहा है। ओए कैमरामैन बंगाली बाबू, अरे वो चेहरा नहीं आया बाबू का यार, से हाय टू द ऑडियंस ऑफ कोलकाता। वन आवर लेटर हमारी एक क्लास खत्म हो चुकी है रोबोटिक्स की, अब हम कंट्रोल सिस्टम पढ़ने वाले हैं। वो हमारे साथ अविनाश सर, कैसी रही क्लास? मतलब यार बंगाली बाबू पूछ रहे थे पाकिस्तान में कितने रोबोट है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? एक आध बस, तो अब भाई अब दूसरी क्लास करते हैं अपन, अभी बच्चे कई सेकंड क्लास में इंटर कर रहे हैं, मिलते हैं आपसे। ये क्या लग रहा है राहुल की सेकंड क्लास में एनर्जी आ चुकी है वापस? ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। फर्स्ट क्लास राहुल, पहली क्लास कैसी रही राहुल? है ठीक, शकल तो दिखा दे, शकल। ओए राहुल शकल तो दिखा दे, ओए ऑडियंस वांट्स टू नो योर शकल। जूम नहीं यार, ऐसा नॉन होता है ना, बस हाय बार बोलोगे। ओए शायरी कैसे हो? कुछ नहीं याद है तुम्हें? Two hours later. तो गाइज हमने खत्म कर लिया क्लास, अब जा रहे हैं, कुछ सनी प्रभु का काम है तो वो करवाएंगे, और फिर लाइब्रेरी से देखेंगे बुक इशू हो रही है कि नहीं, और फिर जाएंगे अपन लंच करेंगे, फिर वापस एक क्लास है तो वो करेंगे। सनी प्रभु का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, काफ़ी टाइम से घूम रहा है, साइन करवा रहा है, ये करवा रहा है, तो लेट आने का पता है, कुछ तो घाटा होता है थोड़ा बड़ा रजिस्ट्रेशन में। कैसा लग रहा है सनी सर, अब घूम के कैसा लग रहा है आपको, इतने चक्कर काटने पड़ रहे हैं? है? अच्छा चक्कर काटने में मज़ा आता है आपको? जब पहले नहीं आओगे तो काटने पड़ेंगे ना, बिल्कुल। चलो अभी जाता हूँ, मुझे शायद लाइब्रेरी कार्ड बनवाना है, तो वो पूछता हूँ मैम से लाइब्रेरी कार्ड बन रहा है या नहीं, क्योंकि वो कह रही थी 10 तारीख से बनेगा, तो क्योंकि बुक भी इशू करानी है, बिना बुक के तो मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में। तो गाइस फाइनली लाइब्रेरी कार्ड मिल चुका है। अबे सर, हमारे सौरभ सर, सनी प्रभु, अखिलेश सर, हाय पटेल सर, आपको कैसा फील हो रहा है? आप क्रॉस लगा रखा है यार आपको यहाँ। अरे सर कैसी बातें कर रहे हो आप यार, तो गाइस बताया हमें लाइब्रेरी कार्ड मिल चुका है, अब इसे हमें फिल करना है और इसमें फोटो लगाना है और फिर HOD मैम के साइन करवाने हैं और फिर जमा करके फाइनली बुक इशू हो जाएंगी, वो कल करवाएंगे, अभी तो जा रहे हैं लंच करेंगे। और आज क्लासेस करके काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी कुछ अभी तो समझ में आ रहा है, क्यों आप यार सनी प्रभु अकाउंट ऑफिस में ले जा रहे हैं भाई, इनका अकाउंट ऑफिस कंप्लीट ना हो रहा, और यार ना तो ये हॉस्टल में रहे हैं सर, और ना फीस जमा करनी होती है, तब भी यार इसीलिए प्रोसेस तो पूरी करनी पड़ेगी ना, क्यों पटेल साहब? अब कितनी भीड़ है, अब लंच के बाद एक क्लास और बच रही है अपनी, और लंच के बाद थोड़ी नींद भी आने लगती है, लेकिन सनी प्रभु सोच रहे हैं क्लास ना करें, लेकिन क्लास नहीं करेंगे अटेंडेंस की प्रॉब्लम आ जाएगी भाई, अटेंडेंस बहुत कंपलसरी है इस टाइम पे। नहीं यार नोट हम कब तक शेयर करेंगे यार। और सर अभी सर हमें मिल चुके हैं, कैसे हैं आप? कहाँ जा रहे हैं सर? बस रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन करवाइए,
कोई नीड हो तो बताइए। और चलो अब बाहर मिलते हैं कॉलेज के। और बंगाली बाबू कैसे हैं आप, कैसा एक्सपीरियंस रहा आज का आपका? बहुत बढ़िया। कहाँ जा रहे रजिस्ट्रेशन? क्या तो गाइस पता है ना, थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो चुकी है हल्की हल्की, तो काफ़ी ठंडक आ गई यहाँ पे। और बढ़िया एक नंबर का मस्त सुहाना सा मौसम हो रहा है। हाँ साइकिल लेके आओ ना, रुको तुम भी बैठ जाना पीछे, रुकोगे? अरे तुम चालाक हो यार पटेल सर। और कुछ बताओ पटेल, कैसे हाल चाल? ये समझ बोला करो यार, यार ऐसी जिंदगी है तो क्या बोलूं। अरे तुम्हारी जिंदगी सबसे बेस्ट है यार, तुम कहीं भी निकल सकते हो यार, छोटे छोटे रास्ते में भी निकल सकते हो तुम। तुम्हें बनाने थोड़ा क्या है, चोरी से भागना होगा। अरे तो क्या हो गया यार, कुछ तो करना पड़ता है ना इंसान को। रुको आंदो आंदो सनी प्रभु को आंदो। जल्दी जल्दी भाग के लाया हूँ, मैंने कहा कोई और न ले जाए, सारे तीनों सब्जेक्ट इसी में बने हैं, वो भी कोर सारे, जो कंट्रोल पावर मशीन तीनों इसी में बने हैं, वो यही भूल गया था। जल्दी भाग के लाया हूँ, अब चलता हूँ सीधे लंच करेंगे, ठीक है? स्टार्ट करो गाड़ी, आ भी सकते हैं अभी वो। हाँ जैसी तुम्हारी इच्छा। लग रही है भूख, अब करने जा रहे हैं लंच, काफी थक गया हूँ मैं। हाय सर। अरे इतनी कम भीड़ यार, अरे इतनी कम भीड़ यार, भाई कैसे यार, ब्लॉक के चक्कर में मुझे लग रहा भीड़ भी ना हुई यार। दे दो यार थाली। हाँ ये भी सही है। चलो पटे यार, आज बैगन है यार। चलो चलो। और सुमंत ब्रो कैसे हो आप? क्या कैमरा सही? वो साफ है लेकिन वो है ना थोड़ा वो, अबे धूप की वजह से होता है थोड़ा। अरे भाई बैगन में क्या क्या डाल रखा है, मटर भी है। क्यों सर आपकी थाली अच्छी लग रही है, आप भी लग रहे हो। और भाई कैसे हो? एक दिन में तो गाइज खाना खा लिया है, ठीक है, ठीक था खाना, बैगन का भरता। वैसे बैगन का भरता जो खाता हूँ ना, मैं घर पे ही खाता हूँ, घर पे ज़्यादा अच्छा लगता है। हाय पांडे सर। अबे तो याद तो रहेंगे, तुम्हारे बाल नहीं थे एक टाइम पे। तो अब क्या करेंगे, खाना वाना खा लिया है, अब थोड़ा रेस्ट, फिर 2 बजे से फिर क्लास, फिर करेंगे क्लास, फिर शायद लैब होगी, आई थिंक लैब नहीं होगी तो फिर आप वापस आ जाएंगे। तो मिलते हैं फिर, अब जब क्लास जाऊंगा फिर स्टार्ट करूंगा, ठीक है?
भाई चले जा रहे हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास करने, उसके बाद फिर फ्री तो चलते हैं। कुछ टाइम पहले ही इतना अच्छा मौसम था ना, बारिश हुई थी सुबह, वो अब देखो 2 बजे के बाद धूप निकल गई तो गर्मी आ गई। टाइम मौसम का कोई पता नहीं पड़ता कितना टाइम में चेंज हो जाता है, तो अभी गर्मी लग रही है काफ़ी। और अभी क्लास करते हैं अपन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की, और फिर क्लास के बाद मिलता हूँ। क्यों बना रहे हैं क्यों तुम्हें करनी है कि लड़कियों से बात क्यों बोलो यार राहुल, शर्म करो अपने आप पे। सिंह ओ भाई वाह मतलब ये था यार, भूल गए सब तुम। राहुल चश्मा लगाओ अपना यार, तिवारी तुम यार बेकार लग रहे हो सच्ची यार, पड़ाकू लगते हो चश्मा लगाने का। और ठीक ठीक है ना, आपकी खूबसूरती का राज क्या है? हाँ सच में डाल। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। फाइनली सारी क्लासेस खत्म हो चुकी है, अब अपन फ्री है और अब तुम्हें नहीं ले जाएंगे हम। अरुण सर कहाँ जा रहे हैं तुम? अपन जा रहे हैं लैंग्वेज लैब में यार, मीटिंग मिस हो गई यार, क्या ही करते हैं, क्लास करनी थी क्लास, वो भी जितेंद्र सर की क्लास। हाँ बढ़ना लगा देते हैं। और क्लास में अटेंडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज वी विल बी नॉट अलाउड इन सीटी। तो अरुण सर आपको मिल गई कुछ जिम्मेदारी? हाँ जिम्मेदारी मिल गई, कैलीग्राफी कॉम्पिटिशन है उसको कराना है। आर यू रेडी फॉर दिस? तो गाइस काफ़ी क्लास करके मज़ा आ रहा है, और काफ़ी आज क्लास में भी काफ़ी काफ़ी मज़ा आया। और भैया कैसे हो आप? तो अभी तो खाली पड़ा है कॉलेज यार, लेकिन मौसम एक नंबर का है। क्यों भाई मौसम बढ़िया है आज का मौसम, मतलब आज हो सकती है शाम तक शायद। और सर कैसे हो? कैसे हो सब बढ़िया? चलो और कुछ कहना चाहोगे क्या? सर आपकी गर्लफ्रेंड कैसी है? अब आप बताएंगे? नहीं नहीं आप बताइए ना, आप कल बता रहे थे किसी के बारे में। आउट ऑफ सिलेबस। आउट ऑफ सिलेबस ओके ओके, बहुत अच्छा लगा आपका आंसर सुनकर हमें। अब पता है जा रहे हैं सीधे हो भाई, डाल दूंगा मैं ऐसे, तुम मत बोला करो फिर, मैंने खुद बचाया तो मैं थक लाइफ बोल के आउट ऑफ सिलेबस नहीं चलेगा। आउट ऑफ सिलेबस तो आंसर हो सकता है। और अरुण सर एक शायरी हो रहा है यार अगर तो चलो चलते हैं यार, काफ़ी भीड़ हो रही है, इतना ऑकवर्ड लगेगा। तो आप चले मूवी देखने कोई? लेकिन यार ये पता है ना लड़कियों वाली। तो गाइज पता है अपन को मिनी प्रोजेक्ट भी करना है, और हमारे अली सर आ रहे हैं एक प्लान लेके, उस पर हम वर्क करेंगे। और हमारे केसरी जो पार्टनर है यार, हेलो सर केसरी फूल मत तोड़ो यार, तुम्हें जुर्माना लग जाएगा 500 रुपये। 500 रुपये तुम्हारा बजट है तुम्हें पता है तुम्हारे हिस्से का, ठीक है? आओ वो आ रहा है भाई। सर से हमने बात कर लिए प्रोजेक्ट को लेके, वो काफ़ी अच्छा उन्होंने समझाया। और तो केसरी हमारे भाग रहे हैं साला, आज से बचपन आए हरकत कर रहा है। तो अभी आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, आई होप काफ़ी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय, टेक केयर। Had a feeling we had something. Could have seen it in your eyes. Took a second, but I'm right here waiting for you with open arms. How about you coming closer so we can do my place? Maybe we can try meeting up by 7. You'll be taking over, so it's guaranteed. I'll be forever thinking more about you and me. I don't wanna let you go. I don't wanna let you go. Nah. Tell me what you want to know. Run your fingers down me slow. Cause you're in my head. You are, cause you're in my head. What you think?
to the star. I can play the game, but I'm falling again. No, don't hold back, take it far. Promise you the same, let the pleasure begin.